थ्री टू वन स्टार्ट। सो हे गाइस, दिस इज प्रांजल, तुम देख रहे हो सबसे मस्त चैनल जो है टेक बीइंग लाइव। और आज के इस बहुत ही मस्त वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले बहुत ही मस्त ऐप के बारे में जो है Zoom। हाँ गाइस यार, ये वाला वीडियो भी होने वाला है Zoom के ऊपर। मैं जानता हूँ कि मैंने ऑलरेडी Zoom के ऊपर दो वीडियो बना रखे हैं। वैसे बताएं, मैं वीडियो बनाने नहीं वाला था सच में, लेकिन तुम लोगों ने मुझसे काफ़ी ज़्यादा पूछा कमेंट्स में, काफ़ी मेरे को रिक्वेस्ट किया इस वीडियो के लिए, इसलिए ये वीडियो तुम लोग के लिए बना रहा हूँ। और हाँ, मैं कुछ तुम लोग के काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन का भी जवाब यहाँ पर देने वाला हूँ Zoom के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी मस्त होने वाला है। सो गाइस, बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि उनके में ऑप्शन नहीं आ रहा है वीडियो वाला, और वो लोग प्ले नहीं कर पा रहे वीडियो, वो लोग Zoom ऐप में वीडियो नहीं लगा पा रहे अपने बैकग्राउंड के उसमें। कुछ लोगों को ट्रोलिंग के लिए यूज़ करना है, कुछ लोगों को सीरियसली इसको यूज़ करना है, वो लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और एक फन फैक्ट बताऊँ, मेरे पीसी में भी ये काम नहीं करता, क्योंकि मेरा पीसी बहुत पुराना है, तो मैं भी इसको यूज़ नहीं कर पाता। मैंने अपने दोस्त के लैपटॉप पर ट्राई किया था इसको, लेकिन आज तुम लोग का डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। सो गाइस, जो हम लोग यहाँ पे ऐप यूज़ करने वाले हैं, वो ऐप हम लोग को हेल्प करेगा कि हम लोग वीडियो प्ले कर सकें Zoom ऐप में, और उस ऐप का नाम है मैनी कैम। बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा, ये काफ़ी फेमस सॉफ्टवेयर है और नया नहीं है, थोड़ा पुराना सॉफ्टवेयर है ये। इसका नाम है मैनी कैम। और गाइस यार, ये करता क्या है, ये तुम लोग को एक परमिशन दे देता है कि तुम लोग अपना कैमरा यूज़ कर सकते हो इस ऐप के थ्रू, ठीक है ना। इस ऐप के थ्रू तुम लोग यूज़ कर सकते हो अपना कैमरा, और तुम लोग उसमें कोई भी वीडियो, फोटो, टेक्स्ट और एनिमेशन और काउंटडाउन ओवरले कुछ भी चला सकते हो भैया। बहुत ही खतरनाक ऐप है, और पहली बात, ये सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है, ठीक है ना। फ्री ये सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है, लेकिन तुम लोग करके सकते हो, तुम लोग उसको फ्री में यूज़ कर सकते हो। बस एक जो उसका ड्रॉबैक है वो यही है कि जब तुम लोग अपना वेबकैम इसके थ्रू यूज़ करोगे, तुम लोग जैसे Zoom में जो वीडियो नहीं होता तुम लोग का वेबकैम वाला, उसमें बड़ा सा वाटर मार्क बन के आएगा मैनी कैम लिखा हुआ। तो यार, वो कुछ लोग को दिक्कत दे सकता है, क्योंकि अगर तुम लोग इसको ट्रोल कर रहे हो, तुम लोग Zoom मीटिंग रेड कर रहे हो, मस्ती मजाक के लिए यूज़ कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई लोग ध्यान नहीं देते कि मैंने क्या लिखा हुआ आ रहा है, वाटर मार्क क्यों आ रहा है, इतना कोई ध्यान नहीं देता उस पर। लेकिन अगर तुम लोग अपने क्लासेस के लिए यूज़ कर रहे हो, तुम्हारा टीचर तुमको जानता है कि तुम कौन हो, तो अपने यूनिवर्सिटी क्लासेस के, अपने कॉलेज की क्लासेस के लिए यूज़ कर रहे हो उसको, तो तुम लोग को दिक्कत पड़ सकती है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग उसके लिए यूज़ नहीं कर पाओगे इसको। और अगर तुम लोग को गुस्सा आती है कि वाटर मार्क क्यों आ रहा है, तो तुम लोग चाहो तो उसे क्रैक्ड वर्जन निकाल सकते हो गूगल से। मैं कि वो YouTube के पॉलिसीज के अगेंस्ट होता है, तो लोग खुद से जाके गूगल में सर्च कर सकते हो कि मैंने कैम की कोई क्रैक्ट APK अगर तुम लोगों को मिल जाए, क्रैक्ट APK या फिर क्रैक्ट सॉफ्टवेयर की जो तुम लोगों को फाइल मिलती, तुम लोगों को मिल जाए तो जाके इसको इंस्टॉल कर लो। और गाइस, अभी मैं वीडियो की एडिटिंग कर रहा था Zoom वाले वीडियो की, इसी वीडियो की, मेरे को याद आया कि मैं तुम लोगों को दिखाया ही नहीं मैनी कैम ऑन करके। भाई बात यह है कि मैनी कैम मेरे सिस्टम में रन करते ही क्रैश हो जाया करता है, तो इसलिए मैं तुम लोगों को नहीं दिखा पाया, आई एम सो सॉरी। लेकिन मैंने मैनी कैम एक बार यूज़ किया है और इजी है यार, तो मैं तुम लोगों को यूज़ करने के बाद बता रहा हूँ उसको। लेकिन जब मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ, तो समझ सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी पड़ती वीडियो के लिए, तो वो क्रैश कर जाता है सॉफ्टवेयर, इसलिए मैं उसको नहीं दिखा पाया हूँ। लेकिन मैंने मैनी कैम यूज़ किया है, मैंने उसका ऐप भी यूज़ किया है फ़ोन में, और ईजी है, तो यूज़ कर सकते हो आराम से, और जाके इंस्टॉल कर लो इसको। सो गाइस, आई होप बहुत सारे लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, बहुत सारे लोग अब मेरे ख्याल से अपना कैमरा यूज़ कर पाएंगे Zoom क्लास को रेड करते टाइम या फिर Zoom क्लास को अटेंड करते टाइम। तो तुम लोग जो भी काम कर रहे हो, रेड कर रहे हो या फिर अटेंड कर रहे हो, तुम लोग अपना कैमरा यूज़ कर पाओगे, और आई होप तुम लोग को थोड़ी सी हेल्प कर दे। ऑलराइट, सो गाइस, हम लोग यहाँ पे आप क्वेश्चन का कुछ आंसर देंगे, क्वेश्चंस भी हैं, कुछ ऐसे रैंडम कमेंट्स भी हैं जिनको लोग पिक करके उनका आंसर देंगे। तो सबसे पहले मैंने अपने यहाँ पे स्किप Zoom वाला वीडियो खोल लिया है, और अरे यार, सबसे पहले कमेंट इतना बढ़िया मिल गया। पहला कमेंट था यही कि हु नोटिस Naruto वर्सेस Sasuke प्लेइंग इन द बैकग्राउंड। सो हाँ गाइस, मैं Naruto वाली पीछे सारे वीडियो चलाया करता हूँ, देखो तुम लोग अब देख सकते हो, Naruto है, Kakashi है और Sakura है, देखो खूब सारे लोग हैं यहाँ पे। तो Naruto को बहुत बड़ा फैन हो, तो मैं उसकी वीडियोज यूज़ करता रहता हूँ बैकग्राउंड में। तो यार,
तुमने बहुत ओपी हो यार, तुम जानते नारुतो कौन है। सो गाइस, जो लोग यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट है वो है रॉयल IDX का, और एक क्वेश्चन है कि देयर इज नो वॉइस सेटिंग्स इन एंड्रॉइड। तो यार मैंने तुम लोग को वीडियो में भी बताया था कि हम लोग जो वो था ना कि वॉइस सेटिंग्स जाके हम लोग ऑडियो इनपुट को बहुत ही कम कर सकते हैं, और मैंने तुम लोग को वीडियो में बताया भी था, लेकिन बहुत सारे लोग सुन नहीं पाए होंगे उस चीज को। तो लेकिन तुम लोग बताता हूँ मैं कि वो ऑडियो इनपुट वाली जो ट्रिक थी वो केवल और केवल PC में काम करेगी, हम लोग को एंड्रॉइड के ऐप में इतना कुछ फीचर्स नहीं मिलता जूम वाले में। लेकिन अगर तुम लोग अपना लैपटॉप यूज कर रहे हो या फिर PC यूज कर रहे हो तो लोग आराम से इसको यूज कर सकते हो और आराम से तुम लोग काम बन जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर जो नेक्स्ट कमेंट है वो है कि भाई लोग हमारे टीचर्स ने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के सॉफ्टवेयर पे स्टार्ट कर दी मीटिंग स्टार्ट करना, तो उसको बंक करना सिखाओ। यार देखो, मैंने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का भी यूज नहीं किया है और मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग उसको यूज करते हैं, तो अगर मैं उसे वीडियो बना भी दूंगा तो बहुत ही कम लोग उसको देखेंगे। लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर मैं वीडियो बना दूं स्किप करने वाला, तो कमेंट में बताओ, मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, तो जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो @techbeinglife। मैं बहुत ही मस्त मस्त वहां पे भी वीडियो डालता रहता हूँ, तो अगर मैं बनाऊंगा वीडियो तो मैं वहां डाल दूंगा, ठीक है ना। तो कमेंट करके बता दो, मैं डाल दूंगा। सो गाइस, यार ये कुछ क्वेश्चंस थे, यहाँ पे कुछ कमेंट्स थे, मैं सोचा कि इनका आंसर दे दूँ तो बहुत सारे लोगों के डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस, यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, वहाँ पे शीशा लगा हुआ है इसलिए मैं अपने बाल वहाँ देख रहा हूँ, और तुम लोग का जो डाउट था वो ManyCam सॉल्व कर देगा, तो जाके ManyCam को इंस्टॉल कर लो, मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया सॉफ्टवेयर, तुम लोग आराम से उसको यूज़ कर पाओगे। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। हम लोग 2K हो गए, मेरा नेक्स्ट गोल है कि हम लोग को 2.5K करने हैं हम लोग को, तो हम लोग का वो गोल कंप्लीट होना चाहिए जल्दी से, हम लोग उसको हिट करने की कोशिश करेंगे, तो 2.5K जल्दी करना है हम लोग को। सो यार लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मैं मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।